वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ऑक्सीजन की भी काफी कमी है, इलाज नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं, 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला ही नहीं। अपने अपने कॉर्पोरेट डिमांड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को क्या जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। कोरोना के चलते देश में हाहाकार मचा है, मरीजों की बेतहाशा बढ़ती तादाद को संभालना अस्पतालों के बस से बाहर होता जा रहा है और मरने वालों के अंतिम क्रिया का बंदोबस्त करने में शमशान और कब्रिस्तानों के कर्ताधर्ताओं को पसीने छूट रहे हैं। मानो दिल को दहला देने के लिए ये खबर काफी नहीं थी कि सांसों की डोर को थामने वाला ऑक्सीजन भी अस्पतालों से गायब होता जा रहा है। क्या दिल्ली, क्या महाराष्ट्र, क्या यूपी और क्या मध्य प्रदेश, हर तरफ से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं और इधर मोदी सरकार के मंत्री राज्यों से गुजारिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड पर काबू कीजिए। बताने की जरूरत नहीं है कि देश में ऑक्सीजन आपातकाल की स्थिति आने का खतरा मंडरा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता और आज हम देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रैल, शहडोल, मध्य प्रदेश। ऑक्सीजन की कमी से 12 संक्रमितों के मौत की खबर, जिला प्रशासन ने किया ऑक्सीजन की कमी से इनकार। 12 अप्रैल, पटना। ऑक्सीजन की कमी पूरी ना होने पर नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक ने की इस्तीफे की पेशकश। 17 अप्रैल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ऑक्सीजन की मांग 10 गुना बढ़ जाने से हुई भारी किल्लत, मरीजों में हड़कंप। यह खबरें देश भर के चुनिंदा अखबारों की हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। राज्य चाहे कोई भी हो, सत्ताधारी दल चाहे दक्षिणपंथी हो, वामपंथी या फिर मध्यपंथी, मगर ऑक्सीजन की कमी में पूरा समाजवाद देखने को मिल रहा है। हर तरफ ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक होता जा रहा है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां की सरकारें ऑक्सीजन की कमी से इनकार कर रही हैं, मगर ये बताने में भी नाकाम साबित हो रही हैं कि अगर ऑक्सीजन भरपूर है तो ये मरीज आखिर ऑक्सीजन की कमी से मर क्यों रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री खुलकर ऑक्सीजन की कमी की बात कबूल कर रहे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। उधर बिहार की राजधानी पटना में आलम यह है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी पूरी करने में सरकार नाकाम है तो वो अपना इस्तीफा सौंपने को तैयार हैं। कमोबेश यही हालत देश की राजधानी दिल्ली की भी है, जहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज 8 दिन से मैं सिर्फ ऑक्सीजन के लिए घूम रहा हूँ। जब स्टार्टिंग में बीमारी हुई थी तो उनका ऑक्सीजन लेवल था 82-83 ऐसा, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ के कम होके वो 78-77 ये लेवल पे ऑक्सीजन आ चुका है। और लेकिन इलाज के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही है, कहीं बेड नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे। इंजेक्शन अगर मिल रहे तो ब्लैक में मिल रहे, 25,000-20,000। यहाँ पे आओ तो जो ऑक्सीजन है वो खरीदना पड़ रहा है सब, मतलब
पैसा तो जा ही रहा है लेकिन उसके बाद भी कोई इलाज नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल नहीं, 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, मेरे को ऑक्सीजन सिलेंडर मिला ही नहीं। ऑक्सीजन की कमी कितनी है इसे जरा आंकड़ों की नजर से समझ लेते हैं। रविवार 18 अप्रैल तक महाराष्ट्र में 6,38,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस थे। इनमें से करीब 10% यानी कि 60,000 से 65,000 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। राज्य में ऑक्सीजन का मौजूदा प्रोडक्शन रोजाना 1,250 टन का है, बावजूद इसके उसे चंडीगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़ से ऑक्सीजन मंगाना पड़ रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में 59,193 एक्टिव केस रविवार तक थे, जबकि राज्य की ऑक्सीजन की जरूरत 250 टन प्रतिदिन की है, मगर सूबे में एक भी ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट नहीं है। 49,737 एक्टिव केसों के साथ गुजरात की भी रोजाना ऑक्सीजन की जरूरत 500 टन से ज्यादा की है। ऑक्सीजन की डिमांड में आई इस अचानक उछाल और अस्पतालों में मचे हाहाकार के बाद केंद्र सरकार भी अब हरकत में आई है। औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक और अस्पतालों को ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने समेत कई उपायों पर काम शुरू कर दिए गए हैं, मगर राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाने के बावजूद मोदी सरकार के मंत्री राज्यों से उनकी डिमांड पर काबू करने की नसीहत देने से भी बाज नहीं आ रहे। मेरी विनती है सभी राज्य सरकारों से कि हमारी तरफ से पूरे आपके साथ कंधा से कंधा लगा के आपकी सहायता के लिए आपके साथ लगे हैं, लेकिन आपको अपने तौर पर डिमांड को भी कंट्रोल करना पड़ेगा और महामारी के फैलाव को भी रोकने के लिए अहम कदम उठाना आवश्यक है। पीयूष गोयल बोले तो बस यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने राज्यों और अस्पतालों द्वारा ऑक्सीजन की बर्बादी और जरूरत ना होने पर भी मरीजों को ऑक्सीजन देने की बात कह डाली। जहां पे पेशेंट को जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन लगाना चाहिए। कई जगह पे वेस्टेज की भी खबर आ रही है, कई जगह पेशेंट को ना जरूरत होते हुए भी ऑक्सीजन लगाने की खबर आ रही है। इस बीच रेलवे ने ऑक्सीजन के त्वरित ढुलाई के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। रिलायंस समेत कुछ कॉर्पोरेट्स भी ऑक्सीजन सप्लाई में जुट गए हैं। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करने की भी योजना है। बावजूद इसके आलम यह है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। ऐसा ही एक हादसा दिल्ली में भी हो जाता अगर दिल्ली पुलिस ने तेजी से एक्शन लेते हुए अस्पताल को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराया होता। ऑक्सीजन की इस कमी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोरोना से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।